السلام عليكم. ये वो फिर उसका मकसद कर लिया था पहली सर्विस के लिए सर्विस सेंटर की तलाश में निकला था। पहले उसने झांसी रोड पर गया लेकिन पता चला कि यहाँ नहीं अभी रोड चौक पे बिजली घर के सामने जो है ना फैदाना तो क्या वहाँ पर निकल गया और यहाँ पहुँच गया हूँ। यहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है यहाँ पहुँचने के बाद जो अथराइज इनका डीलर है उनका कहना है कि सुबह 8 बजे आ जाए फिर आपकी ट्रेन नहीं जाए कर भी जाएगी मौके पर बता देते हैं। वो फिर वालों को इस बारे में मेरा कहना कि सोचना होगा ये तो कोई तरीका नहीं है। 8 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पर पहुँचा था ये रोड जो उनका उनका जो सर्विस सेंटर है। मोटरसाइकिल देखने में खूबसूरत चलने में बेहतरीन नज़र आई मुझे लेकिन सर्विस सेंटर के अतबार पर बहुत ही मार्केट किस्म की सर्विस नज़र आती है। ये भी नहीं है 2 मोटरसाइकिल सर में चला उसके बावजूद वो मुझे कहते हैं कि भैया आप सुबह 8 बजे आ जाए। 8 किलोमीटर दोपहर के टाइम गर्मी की सख्त दोपहर में इतनी सख्त गर्मी में कहीं आना कोई आसान काम नहीं है दूर चल रही है 80 किलोमीटर। अगर सर्विसेज प्रॉपर ना हो तो अच्छे से अच्छी चीज़ की फ्लॉप हो जाती है। काफ़ी देर में बताने के बाद कि मेरे मुश्किल है आना जाना ये वो काफ़ी मुश्किल दिनों के बाद जाकर आज आना बात कर रहे हैं ये आपको सर्विस के लिए राजी हुए हैं मतलब वो 8 बजे का ही कहा जा रहा था कि 8 बजे आए बाकी अब आपको पता हमें तो नहीं पता ये फैजान ऑटो है मेस्को का जो सबका मेस्को बिजली घर था ना अजीज होटल से थोड़ा आगे उसके बिल्कुल आप
गर्मी पड़ रही है, थोड़ी गर्मी शदीद तो चल रही है, लेकिन अलहमदिल्ला शाम में फिर यहाँ पर थोड़ा गर्मी की तरफ आ जाता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जी ब्लॉग चेक कर लिया, जरूरत नहीं है प्लग ही खोलना, ठीक है मिसिंग हो तो फिर तो खोले, सिल्वर की चूड़ी होती है लोहे का प्लग होता है। नहीं नहीं ठीक है, वो वैसे मैंने देखा, खराब हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है, प्रॉब्लम कर रहा फिर तो चलो पता भी चला चाहिए। नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं थी, ले जी ये फर्स्ट ट्यूनिंग जो है तकरीबन कम्प्लीट हो गई है, प्रॉब्लम तो पहले भी कुछ नहीं था लेकिन क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट है कि जो है ना एक माह के अंदर अंदर जो है ना वो अथॉराइज सर्विस सेंटर से जो है ना मुकम्मल चेकअप वगैरह करवा दें, आज ये तो दिन भी बढ़ गया।